टॉप 10 स्कैरी एंड बहुत ज्यादा फनी मैसेज GTA 5। तो यार काफी टाइम बाद GTA 5 की वीडियो आ चुकी है। तो यार आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार मिथ में लेकर आ चुका हूँ भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिथ नंबर 1, GTA 5 में अगर आप लाइट को पेट्रोल पर मारोगे तो पेट्रोल जल जाएगा। तो इसके लिए गाइज मैं सबसे ज्यादा शांत जगह पे आ चुका हूँ, अब यहाँ पर गिराते हैं जल्दी से पेट्रोल और इसके ऊपर मैं टॉर्च की लाइट मारूंगा सबसे पहले और देखते हैं क्या पेट्रोल वाकई में जलता है या फिर नहीं। तो आई थिंक इतना पेट्रोल काफी होगा, थोड़ा और डाल देते हैं। चलो भाई अब यहाँ पर जल्दी से टॉर्च निकालते हैं, टॉर्च अपने पास पड़ी है पहले से और इसके ऊपर अच्छे से मारेंगे एकदम। क्या पता यहाँ पर थोड़ी देर बाद आग लगती हो, लग तो नहीं रही वैसे, यार इतनी देर में तो जल जाना चाहिए था। लेकिन भाई यहाँ पर फ्लैश लाइट से आग नहीं लगती है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं बुलेट्स फायर करके आपको दिखाता हूँ पेट्रोल में, यहाँ पर बुलेट से तो आग लग जाती है। ये देखो जैसे मैंने बुलेट फायर करी यहाँ पर आग लग चुकी है। लेकिन गाइज अब यहाँ पर दूसरी बार ट्राई करेंगे गाड़ी से। ओके लेट्स गो गाइज, यहाँ पर काफी सारा पेट्रोल मैंने गाड़ी के आगे भी गिरा दिया। आप जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और इसकी लाइट ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या पेट्रोल पे आग लगती है या फिर नहीं, बिकॉज गाड़ी की लाइट बहुत ज्यादा तेज होती है और जहां तक मुझे लगता है इसमें आग लग जानी चाहिए, इतनी लाइट काफी होगी। नहीं यार इसमें लाइट लग ही नहीं रही। चलो गाइस एक काम करते हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट मार के देखते हैं, क्या पता ड्रिफ्ट से आग लग जाए, छोटी सी चिंगारी निकल जाएगी और भाई आग लग गई। बाकी एक सेकंड यार, यहाँ पर मैंने ड्रिफ्ट तो मारी नहीं, ये ऑटोमेटिक आग लगी कैसे? अच्छा पीछे से ये देखो भाई फायर निकल रही है इसकी, क्या बात है यार इसका इंजन तो बहुत पावरफुल लग रहा है। एक काम करते हैं इसी से फिर से आग लगा के देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक्सीलेटर प्लस ब्रेक दोनों साथ में दबाया और जिससे यहाँ पर फायर निकलती और भाई आग भी लग चुकी है। बाकी यहाँ पर पेट्रोल से तो आग टच भी नहीं हुई लेकिन फिर भी आग लग चुकी है। लेकिन गाइस लाइट या फिर फ्लैश लाइट से कोई भी पेट्रोल पे आग नहीं लगती है, तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 2, फायर ब्रिगेड क्लीन ब्लड ऑफ ए एनपीसी। फायर ब्रिगेड कब से यार मतलब एनपीसी का ब्लड उठाने लग गए? एम्बुलेंस नहीं आती क्या GTA 5 में? चलो चेक करते हैं। और इसके लिए मुझे एक बकरा भी मिल चुका है, भागता का है। रुक रुक यार, मुझे ना चाहते हुए बेचारे को मारना पड़ रहा है यार, इसके बम पे गोलियां चला दी भाई, मर गया बेचारा। अरे यार बेचारे को मार दिया। तो यहाँ पर जल्दी से वेट करते हैं फायर ब्रिगेड आती है या फिर एम्बुलेंस आती है, और वैसे इसका काफी ब्लड भी निकल चुका है तो ब्लड को कोई क्लीन करेगा या फिर ये भी पता चल जाएगा। ओके यहाँ पर एक गाड़ी तो आई है लेकिन ये एम्बुलेंस लग रही है। इसके ऊपर क्या भाई, इसके ऊपर लिखा हुआ फायर डिपार्टमेंट, व्हाट? ये फायर ब्रिगेड टीम है भाई, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? चलो देखते हैं ये क्या करते हैं, पास में आके इसको जिंदा करेंगे या फिर इसको उठा के गाड़ी में डालेंगे। यहाँ पर देखो गाइस ये फालतूगिरी तो कर ही रहे हैं सामने बैठकर, अबे कुछ कर भी लो। एक बंदा तो खड़ा हो गया। ओके ओके इसने कुछ तो निकाला, ये पर्चा निकाल के भाई ये क्या लिख रहा है इसके ऊपर? भाई इसका इलाज करो ना, ये मरने वाला है, क्या कर रहे हो? वैसे मार तो मैंने दिया है इसको यार, इसको उठा के ले जाएंगे या फिर नहीं ये देखना है मुझे तो। अरे भैया कुछ करोगे या फिर नहीं? व्हाट भाई ये क्या है, ये क्या मजाक है यार? सन इंडिया में तो इसको जिंदा कर देते हैं भाई, ये कहाँ जा रहे? कुछ सामान वामान लेने जा रहे क्या? अभी पता चल जाएगा, मैंने अच्छे से देखा नहीं है कभी गाइज ये करते क्या एक्चुअल में। भाई ये क्या कर रहा है? अच्छा रुक गया, पास में ला रहा गाड़ी, चलो ठीक है यहाँ पर कुछ तो करेगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। अरे भाई ये तो भाग, ये भाग गए भाई, ये बॉडी को छोड़ के भाग गए। चलो गाइज अब असली फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और देखते हैं वो क्या करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे मोलोटो डालना पड़ेगा इसकी बॉडी के ऊपर और बस ये ग्रास में आग ना लग जाए, बाकी सब ठीक है। ओके गाइज आग बुझाने वाली आ चुकी है टीम पूरी और देखते हैं भाई क्या करते हैं। यहाँ पर ब्लड वगैरह उठाते हैं इसका ब्लड, अबे ये तो खुद ही लड़ रहे हैं पागल कहीं के। भाई ये क्या भाई, पूरे ग्रास में आग लगी, कैसे बुझाएंगे यार? चलो यार उसकी बॉडी से तो आग बुझा दी है, बट उस बॉडी को उठा के कोई ले भी जाओ यार, वो मर रहा अब तो पक्का मर गया भाई, उसको जला के पका दिया पूरा उसको। यार इसमें पैरामेडिक का सिस्टम सही नहीं लगा यार मुझे GTA San Andreas में, भाई साहब मरे हुए को जिंदा कर देते हैं और देखो यहाँ पर कोई ब्लड भी साफ नहीं कर रहा है इसका, तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 3, भाई माइकल के घर पे जाओगे तो जो माइकल है उसका ग्रीन जूस कोई नहीं पी सकता। हाँ यार ये तो मैंने कभी नोटिस करा ही नहीं। तो अभी मैं आ चुका हूँ माइकल के घर पे और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैं जूस के पास जा रहा हूँ, करेले का जूस होगा आई थिंक ये, तो ई बटन आ रहा है जिसे प्रेस करने पर माइकल ये करेले का जूस पी लेगा। बट कैसा हो गया अगर मैं फ्रैंकलिन या फिर ट्रेवर को इसके घर में लाऊं और ये वाला करेले का जूस उनको पिलाने की कोशिश करूं तो क्या वो पियेंगे, यही देखना है। तो अभी मैंने स्विच किया है फ्रैंकलिन के ऊपर और फ्रैंकलिन को लेकर चलते हैं माइकल के घर पे। ओके गाइज मोड की मदद से आ चुके हैं माइकल के घर पे और जैसे कि आपने देखा कि फ्रैंकलिन माइकल के घर में आ ही नहीं सकता और मैं जूस के पास भी आ चुका हूँ, लेकिन
फ्रैंकलिन के पास यहाँ पर कोई भी ई बटन नहीं आ रहा जिससे कि ये जूस पी सके, तो फ्रैंकलिन इस जूस को नहीं पी सकता। अब ट्रेवर की बारी है और ट्रेवर के लिए तो माइकल का घर लगभग खुला ही रहता है, तो यहाँ पर अभी ट्रेवर भी इस जूस को नहीं पी रहा। यार भाई पी ले यार, क्या कर रहा है, अबे पी ले नूब। अब गाइस ट्रेवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जबरदस्ती जूस नहीं पिएगा, ले जूस का बच्चा तू भी ले, मशीन सारी जार वार सब तोड़ दिया भाई इसने, तो नुकसान कर दिया मेरा। बाकी गाइस माइकल के अलावा कोई भी इसका जूस नहीं पी सकता, सॉरी करेले का जूस नहीं पी सकता, तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। गाइस अब तक का सबसे स्कैरी मिथ, माइकल के घर पे एक सीक्रेट डोर होता है जिसमें से एक बच्चा निकलता है। गाइज ये बच्चा कहीं डरावना तो नहीं है, भाई मेरी तो बहुत ज्यादा फट रही है। वैसे माइकल के घर पे एक सीक्रेट डोर तो है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले माइकल का घर, फिर यहाँ पर जिमी एंड ट्रेसी का, और ये रहा एक सीक्रेट डोर। ये वाले दरवाजे के अंदर मैंने किसी को अभी तक जाते हुए नहीं देखा है, तो चलो यार इसके अंदर चलते हैं मोड की मदद से और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर माइकल खड़ा है और माइकल को लेके चलते हैं इसके अंदर। अरे ओ भाई ये कौन है, अरे ये बच्चा नहीं बच्चे का बाप लग रहा है भाई, ये आदमी कौन है, यहाँ पर ये सिगरेट फूंक रहा है यहाँ पे खड़े होके, अबे ये क्या मजाक चल रहा है। ओ भाई ये कौन सा रूम में आ गया, नीचे का आर पार सब दिख रहा है मेरे को, तेरी ऐसी की तैसी मेरे घर में, अभी कहाँ गया, अभी ये भूत तो नहीं है भाई गायब, किसको लात मार रहा हूँ मैं किसको लात मार रहा हूँ भाई, ये क्या अंधेरा जैसा हो रहा है यार, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये कौन सा रूम है, अरे सीक्रेट रूम तो ये, बट वो कौन सा रूम, अबे यार यहाँ पर क्या चल रहा है गाइस, यहाँ पर क्या, अरे फिर से सब गायब हो गया, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ भाई, मैं फोर डायमेंशन में तो नहीं आ गया, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, अरे यार ये, ओ भाई वो रहा बंदा देखो यहाँ पर, क्या लेट के तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल घर यहाँ से भाई, ये क्या हो रहा है, मुझे सब आर पार सब दिख रहा है, नीचे का भी दिख रहा है ऊपर का भी दिख रहा है, एक सेकंड मैं इसको बांध, अबे 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 वो गायब हो गया, गायब हो गया गाइस, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो माइकल को बाहर निकालते हैं यहाँ से भाई, अबे सामान का क्या, पूरे घर का ये, अरे ओ भाई मैं नीचे आ गया, चलो भाई बच गया, वो बंदा कहाँ गया, बट ऊपर चल के देखते हैं भाई, ये क्या मजाक चल रहा है, कौन सा मिथ बता दिया भाई मेरे को, अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं। गाइस आपके साथ प्रैंक हो चुका है, वो बंदा मैंने ही वहाँ पे डाला था, कोई भी बच्चा अच्छा नहीं होता यहाँ पे, ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 5, वो ये सबसे ज्यादा मजेदार मिथ है, ध्यान से सुनना, अगर आप अपनी गाड़ी को क्रैश कर देते हो, ध्यान से सुनो गाइस, ब्लास्ट नहीं करना है, ओनली क्रैश करना है, तो कैरेक्टर चेंज करोगे तो गाड़ी वापस से रिपेयर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सी कार को स्टील कर लिया इस बंदे से, अब जल्दी से इसको ठोकते हैं, अनाप शनाप जगह पर ठोकने वाला हूँ, ये ले बेटा, अबे यार मैं ही बाहर गिर गया यार, मुझे लगा था इतनी टक्कर में नहीं गिरेगा, चलो कोई बात नहीं, अभी तक तो भाई थोड़ा सा नुकसान हुआ, अभी तो और ज्यादा फोड़ना है इसको, चलो 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 भाई साहब ये ले, यार मजा नहीं आ रहा यहाँ पर, मैं बूस्ट मारता हूँ अपना तगड़ा वाला और फिर ठोकते हैं ये भाई, इतनी सारी कार, मजा आ गया भाई, ये अच्छा डैमेज हुआ इस कार को, अभी तो और ज्यादा फोड़ना है गाइस, क्योंकि अभी तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ इसके, और यार बच गई, चलो कोई बात नहीं, इनको उड़ाते हैं बंदों को, भाई कितना डैमेज कर सकता हूँ मैं इस कार को, एक सेकंड दीवार पे चलाता हूँ बूस्ट मार के, ओ भाई साहब निंजा हथौड़ी, भाई साहब गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी है, बम्पर गायब कर दिया गाइस आगे से, ये देखो टायर मोड़ दिए पूरे भाई, बोनट भी आधा कर दिया है। चलो अब यहाँ पर कैरेक्टर स्विच करते हैं और वापस से माइकल पे स्विच करेंगे, फिर देखते हैं क्या अपनी गाड़ी क्रैश से वापस रिपेयर हो चुकी है या फिर नहीं। अरे भाई साहब फ्रैंकलिन भी यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा है, चलो कोई बात नहीं माइकल पे चलते हैं जल्दी से, आई थिंक मुझे नहीं लगता यार गाड़ी रिपेयर, अरे भाई गाड़ी रिपेयर लग रही है देखो, अरे भाई साहब क्या बात है यार, एकदम चकाचक हो चुकी है, इसने गाड़ी रिपेयर कराई तो कराई कैसे। अब गाइस इस गाड़ी को मैं ना पूरा ब्लास्ट ही करने वाला हूँ, फिर देखते हैं ये गाड़ी रिपेयर होती है या फिर नहीं। और गाइस मैंने इनफाइनिटी हेल्थ भी लगा रखी है, तो जिससे मैं मरूंगा भी नहीं गाड़ी का। ओ गई भाई क्या फाड़ा इस कार को भाई, चलो अब कैरेक्टर स्विच करते हैं और वापस से माइकल पे आते हैं, देखते हैं भाई इस बार कार रिपेयर होती है फिर नहीं, पूरी ब्लास्ट ही कर दी भाई, खत्म कर दिया खेल। वैसे मैंने आपको बताया ना इन्फिनिटी हेल्थ थी, तो माइकल अभी तक मरा तो नहीं है, देखते भाई क्या होता है सीन, और ये काम, अरे तो कहीं और ही आ गए अपन भाई, हॉस्पिटल में आ गए, अरे यार इसका मतलब माइकल मर गया या फिर वो ग्लिच हुआ है, इस ग्लिच के कारण अपन यहाँ पर आ गए यार, पता नहीं कैसे। बाकी ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 6, GTA 5 में अगर एक बंदे के पास गन है तो वो गन उस बंदे को स्नाइपर की बुलेट से बचा सकती है। तो गाइस लाइन से मैंने यहाँ पर सभी NPCs को स्पॉन कर दिया और सभी के हाथ में गन्स भी हैं। तो अभी इसके हाथ में आप देख सकते हो गन है, तो गन के ऊपर मैं फायर करने वाला हूँ, देखते ये औरत मरती है फिर नहीं। ओके मर गई एक ही बार में, अरे भाई खड़ी हो गई, अरे भाई साहब गन ने बचा ली इसको, एक सेकेंड यहाँ पर फायर करता हूँ मैं, ओ अरे भाई इसने,
उसने मतलब इस बंदे को मार दिया। व्हाट भाई, मैंने उसके गन पे गोली चलाई तो उसने भाई उसने भी फायर कर दिया, मतलब जानबूझ के नहीं करा लेकिन फायर करा उसने। एक सेकंड, यहाँ पर सप्रेसर के पास वाले हिस्से पे मारूंगा एकदम लगनी। ओके भाई, इसने भाई साहब दूसरा बंदा भी मार दिया। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, तीन बंदे मार दिए मैंने, मतलब मैंने नहीं यार उसने मारा। और वाकई में गन इनको बचा भी रही है, ये देखो मैं एकदम नुक्के पे फायर कर रहा हूँ और रेड साइन भी आ रहा है, लेकिन ये बार बार उठ के खड़े हो जा रहे हैं। भाई गन तो इनको बचा रही यार। अब गाइस जो फर्स्ट वाली औरत है ना, इसको मैं 3 बार मार चुका हूँ लेकिन ये बार बार फिर से खड़ी हो रही है। एक काम करता हूँ, अब एक और बुलेट मार के देखता हूँ इस बार ये मरती है फिर नहीं, गन पे ही मारूंगा। और भाई इस बार तो मर गई है। चलो अब यहाँ पर है ना, एक बुलेट मैं इसके मतलब चेस्ट पे मारता हूँ, फिर देखते हैं ये मरती है फिर नहीं। मर गई, एक ही बार में मर गई है देखो। और गन पे मार रहा हूँ तो ये बार बार उठ के खड़े हो जा रहे हैं यार, ये देखो भाई साहब। तो अगर इनको पूरा खत्म करना है ना तो बार बार भाई गन के ऊपर मारना होगा, तब जाके ये मरते हैं। अब मरी भाई फाइनली यहाँ पर, तो भाई गन इनको बचाती है, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 7, फ्रैंकलिन के हाउस में साइकिल लेकर जाओ और स्विमिंग पूल में चलाओ, साइकिल चलेगी भी। ऑल राइट गाइस, तो मैं साइकिल लेके आ चुका हूँ स्विमिंग पूल के अंदर, और भाई तो फ्रैंकलिन उतर गया लेकिन साइकिल पानी के अंदर अभी भी खड़ी है, इसके ऊपर मैं बैठ भी नहीं पा रहा यार। जबकि मिथ तो ये था कि साइकिल चला पाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर, लेकिन नहीं चला पा रहे। अब गाइस ये मैं तीसरी बार ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं भाई इस बार चलती है फिर नहीं पानी के अंदर। नहीं भाई ये नहीं चला पा रहा, तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 8, और काफी इंटरेस्टिंग मिथ है, अगर आप स्नोबॉल हिट करेंगे आग के ऊपर तो आग बुझ जाएगी। तो यार सुनने में काफी मजेदार लग रहा है, तो अभी मैं बीच पे कैंप फायर के पास आ चुका हूँ और ये डाला मैंने स्नोबॉल, देखते भाई आग बुझती है फिर नहीं। एक गया, दो गया, भाई दो में भी नहीं बुझ रही, तीसरा नहीं बुझ रही यार, चौथा भाई, पांचवा, छठा, सातवा, भाई इतने सारे बॉल्स डाल दिए आग बुझ नहीं रही यार, इतनी आग को तो बुझ जानी थी यार। एक काम करते हैं यहाँ पर मोलोटो डालते हैं, बिकॉज कैंप फायर बाय डिफॉल्ट है इसलिए नहीं बुझ रही, लेकिन अपन खुद आग लगाते हैं और खुद ही बुझाएंगे। तो यहाँ पर स्नोबॉल कहाँ पे गई, चलो अब डालते हैं यहाँ पर स्नोबॉल। नहीं यार कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये देखो ओके बुझी क्या, नहीं यार वो तो अपने आप ही बुझ रही है, देखो अब यहाँ पर इतनी सी हो चुकी, इतनी सी तो बुझ जानी चाहिए भाई, स्नोबॉल से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब गाइस एक ही रास्ता बचा है, सॉरी यार मुझे माफ कर देना भाई साहब, बिचारी को जला दे, स्नोबॉल निकाल जल्दी 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 जल्दी, बुझ मर जाएगी बिचारी, जल्दी कर, आग बुझा आग बुझा आग बुझा, अरे भाई मार दिया भाई साहब, बिचारी को मार के भून दिया भाई पूरा उसको, और स्नोबॉल अलग से मार रहा हूँ भाई, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो यार स्नोबॉल से कोई भी आग नहीं बुझती, ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 9, ब्रो अगर फ्रैंकलिन स्कोप चालू करके ऊंची बिल्डिंग से गिर जाएगा तो नहीं मरेगा। तो आई थिंक इतनी ऊंचाई काफी होगी, यहाँ पर तो फ्रैंकलिन की हड्डियां भी नहीं मिलने वाली है। तो चलो जल्दी से स्नाइपर का स्कोप ओपन करते हैं, यही स्कोप की बात हो रही ना, और स्कोप के साथ ही मैं नीचे गिरने वाला। अरे भाई स्कोप तो बंद हो गया, अरे यार भाई ये पक्का मरने वाला है, पक्का हड्डियां टूटेगी इसकी और खत्म भाई, डमरू बुला दिया इसने तो। अबे ये क्या ग्लिच हुआ है भाई, माइकल कहां से खड़ा हो गया, फ्रैंकलिन मरा यहाँ पे भाई, ये तो खतरनाक ग्लिच हो गया यार। बाकी गाइस ये वाला मिथ बस्ट है। ओके गाइस द लास्ट मिथ आ चुका है, मिथ GTA 5 में माउंट चिलाड़ के पीछे एक बंदे का फेस देखने को मिलेगा, लेकिन वो फेस किसका है किसी को नहीं पता, किसका फेस है किसका नहीं है बाद में पता करेंगे, लेकिन फेस बना हुआ है या फिर नहीं ये देख लेते। तो अभी मैं माउंट चिलाड़ पे आ चुका हूँ और मोड एक्टिवेट करता हूँ, तो ये देखो भाई स्पूनर मोड से भाई ये माउंट चिलाड़ इतना ज्यादा बड़ा है यार, ये बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा है। तो चलो गाइस अब अच्छे से चेक करते हैं पूरे माउंट चिलाड़ पर कहाँ पर बना हुआ है फेस। तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई मिट्टी का ऐसा फेस बना हुआ होगा जैसा कि यार फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसा ही कुछ होगा ना, या फिर कुछ और मुझे नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पर अपन अच्छे से चेक कर रहे हैं माउंट चिलाड़ को, देखो आसपास तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं यार यहाँ पर भी नहीं है। तो गाइज मैंने माउंट चिलाड़ का एक एक कोना अच्छे से चेक कर लिया लेकिन मुझे कोई भी फेस देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं यहाँ पर आया ना तो मुझे देखो यहाँ पर एक बादल और एक आँख बनी हुई है, मुझे नहीं पता है किसकी बादल और किसकी आँख है, लेकिन चेहरा तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। और हाँ मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर इस जगह पर है ना मतलब एक चेहरा बना हुआ था, लेकिन मुझे लगता है वो चेहरा मोड से ऐड करा होगा किसी ने, और या फिर बर्फ के नीचे ढक चुका होगा, नहीं पता गाइज। लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला मिथ बस्ट है। सो बस गाइज आज की वीडियो में नहीं, आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अच्छे अच्छे मिथ GTA 5 के कमेंट कर दो, अगली वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।